Realme G2 Pro में आफ्टर Android 14 बीटा अपडेट हम लोग टेस्ट करने वाले और आपको बताने वाले अपडेट कितना ज्यादा सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गेमिंग टेस्ट करेंगे, बैटरी ड्रेन देखने वाले कितना ज्यादा होता है और फोन आप लोग देख सकते हो Realme G2 Pro और इसको एक साल यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, अभी आप लोगों को परचेस करना चाहिए ये फोन या फिर परचेस नहीं करना चाहिए और दूसरे फोन की तरफ जाना चाहिए, दूसरे फोन लेना है तो कौन सा फोन लेना है और ये फोन कितना ज्यादा आपके लिए फ्यूचर प्रूफ है सब कुछ बताने वाले, 5G में कोई प्रॉब्लम आता ही फिर नहीं, अदरवाइज सब कुछ आपको वीडियो के अंदर देखने मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देख दो, यूट्यूब पर इसी टॉपिक पर और कोई वीडियो आपको देखना नहीं होगा। सो चलो यार सबसे पहले दिखा देते हैं फोन का एंड्रॉइड वर्जन, तो देख सकते हो Realme G2 Pro और फोन का पूरा कंडीशन मिंट है और इसके अंदर पूरा BGMI खेलने वाले और हम लोग बताने वाले और FPS मीटर के साथ देखने वाले कैसे FPS हमको देखने को मिलता है। तो गेमिंग के लिए अगर परचेस करना चाहते हो गाइस या फिर डे टू लाइफ यूज करने के लिए तो भी यार सब कुछ एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। सो यार देख सकते हो एंड्रॉइड 14 पर लेटेस्ट वर्जन पर हमने फोन को अपडेट किया है, तो चलो अभी BGMI को ऑन करते हैं और गाइस यहां पर स्टार्ट करते हैं। और फोन में जो रैम है गाइस 12GB रैम, इसके अंदर 8GB का भी वेरिएंट देखने को मिलेगा और फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को 23-24,000 के अंदर ये फोन ऑफर में देखने को मिल जाता है। फोन के अंदर जो प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का और गाइस यहां पर फोन के अंदर 10 लाख से ऊपर हम लोग एंटीटू स्कोर देखने को मिला है, तो स्क्रीन ऑन टाइम भी मैं आप लोग बताऊंगा कितना देर तक बैटरी चलता है फिर बैटरी ड्रेन होता है या फिर नहीं, कितना ज्यादा होता है सब कुछ यार देखने वाले वीडियो में। उसके पहले भी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो ना सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल और जेन्युइन कंटेंट हम लोग अपलोड करते हैं अपना चैनल पर। और भाई ऐसे ही फोन वगैरह परचेस करने में बहुत पैसा खर्च होता है, 30,000-35,000 वाला फोन भाई आप लोग के लिए लाना पड़ता है, तो इसके लिए सपोर्ट करो और भी हम लोग ग्रो कर पाए और भी न्यू फोन ला पाए उसका रिव्यू कर पाए, हम यहाँ पर जेन्युइन रिव्यू करते। तो चलो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं, BGMI स्टार्ट कर दिया, फोन के अंदर एक्सट्रीम तक सपोर्ट देखने को मिलती है, स्मूथ एक्सट्रीम और HDR पे भी एक्सट्रीम तक सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन भाई फोन के अंदर हम लोगों को 90fps का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, पता नहीं भाई क्यों यार इतना पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद भी Realme X और Max के बाद बहुत कमी फोन में Realme के अंदर हम लोगों को 90fps का सपोर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर FPS मीटर हमने ऑन कर दिया, तो चलो अभी एक TDM स्टार्ट कर दें और देखते हैं कहाँ तक हम लोग FPS देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा हीट भी होता है वो भी हम लोग फोन के अंदर देखने वाला, बैटरी ड्रेन भी कितना होता है वो भी कैसे हम लोग चेक करेंगे। पहले बात तो गाइस आप लोग यहाँ पर FPS भी देख सकते हो, उसके साथ मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ Realme GT2 Pro के बारे में। सो यहाँ पर फोन के अंदर गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो हम लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलता है, सो स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 का और ये प्रोसेसर दूसरे फोन में बहुत ज़्यादा हीट होता है, जैसे कि जो भी फोन में लगा ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम है, तो ये फोन के अंदर भी ये सेम ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो इसके अंदर भी हम लोग को हीटिंग इशू देखने को मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पर हीटिंग इशू तभी देखने को मिलता है जब आप लोग लॉन्ग टाइम गेमिंग करोगे, 1 घंटे से ज़्यादा गेमिंग करोगे उसके बाद, और अगर बोले BGMI परफॉर्मेंस का तो फोन जितना ज्यादा ठंडा आप लोग रखोगे उतना ही गाइस ये चीज आपको ही पता होगा तो आपको FPS ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी FPS मीटर मैंने ऑन नहीं किया, FPS मीटर ऑन करके हम लोग गेम खेलने वाले, लेकिन उसके पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी कूल लोकेशन पर जहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा है या फिर फैन वगैरह चालू करके फोन में गेम खेल दो तो उसके अंदर गाइस आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन गर्मी के टाइम पे भाई अप्रैल जून महीने में फोन को यूज़ कर रहा था तब मेरे को भाई थोड़ा सा हीटिंग इशू फोन के अंदर देखने को मिला था, 43-44 डिग्री हीट होता है लेकिन हीटिंग इशू से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तभी आता है जब हीट होने के बाद फोन के अंदर परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिलता है। हाँ भाई एकदम सही सुना, यहाँ पर गाइस FPS पहले पहले काफ़ी अच्छा मेंटेन कर लेता है, लेकिन गाइस क्लासिक मैच में जब इंस्टेंट फाइट होता है जब भी आप लोग बोल सकते हो कि इतना फ्लैगशिप लेवल का फोन है, 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर हम लोग को लैग इशू देखने को मिलता है, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है क्लोज रेंज फाइट में। तो अगर आप लोग नॉर्मल गेमिंग कर दो, नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बाद में बात करने वाले, लेकिन अगर नॉर्मल गेमिंग कर दो उसके अंदर गाइस आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आएगा उतना ज़्यादा, लेकिन गाइस अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव खेल दो T1, T2 जो भी आप लोग T3 जो भी खेलते हो उसके अंदर गाइस आप लोग ये फोन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, तो कॉम्पिटिटिव या फिर आप लोग एक्सट्रीम एंड लॉन्ग टाइम गेमिंग पर आपको ये फोन प्रॉब्लम दे सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं फोन को उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। अगर किसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग कर रहा है तो वहाँ पर गाइस आप लोगों को फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, FPS ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो अभी देख सकते हो 57-60 FPS कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर भी लो है, 24-23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ठंडे का टाइम है, तो इसके लिए गाइस प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन इस गर्मी के टाइम पर अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग करोगे तब गाइस आप लोगों को फ्रेम ड्रॉप तो देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली गेमिंग करने के लिए फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर Realme GT2 से कंपेयर करें तो कंपैरिजन वीडियो तो बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट करना कंपेयर वीडियो बना दूंगा दोनों के अंदर कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा, GT2 या फिर Realme GT2 Pro। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ इससे अच्छा फोन आपको कौन सा देखने को मिलेगा या फिर ये अगर अच्छा नहीं इससे बेटर आप लोग कौन सा फोन को गेमिंग के लिए परचेस कर सकते हो। तो अगर बात करें कैमरा का, फोन के अंदर सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिलता है, तो पर गेमिंग के साथ साथ कैमरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोग फोन को परचेस करते हैं अभी के टाइम पे गेमिंग के लिए और कैमरा के लिए, जिन लोगों को गेमर को भी कैमरा यहाँ पर चाहिए होता है
कुछ ज़्यादा लोगों को। तो इसके लिए इस फोन के अंदर सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिलता है, 32 MP का हम लोग को फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गेमिंग और कैमरा भी फोन के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कैमरा के लिए फोन को परचेज करना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर कैमरा आप लोग को नाइट कैमरा बोलो डे कैमरा बोलो ओवरऑल गाइस काफ़ी सही देखने को मिलता है। रियलमी के हिसाब से ये फोन का कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर मेरे को बोलना पड़ेगा। तो मैं इतना कुछ क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि गेमिंग से लोग का मतलब कुछ जितना आप लोग गेमिंग करो उसके बाद लगेगा कि कैमरा अच्छा होना चाहिए इतना प्राइस तक। अगर आप लोग फोन परचेस कर रहे हो सिर्फ गेमिंग अच्छा हो ऐसा कोई बात नहीं, तो अगर आप लोग अदर्स कोई IQ के फोन के साथ कंपेयर कर दो, वीवो के फोन के साथ कंपेयर कर दो, उसके अंदर आप लोग इससे बेटर कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा जितना भी मेगापिक्सल का हो जाए जितना भी सेंसर हो जाए अच्छा, लेकिन फिर भी यार IQ या फिर वीवो का कैमरा इसी प्राइस के फिर इससे थोड़ा सा कम प्राइस का भी इसके IQ Neo 6 या फिर IQ Neo 7 IQ 9 AC का कैमरा इससे ज़्यादा बेटर आप लोग को डिटेल्स और परफॉर्मेंस निकाल के देगा, डे लाइट बोलो या फिर नाइट लाइट बोलो सभी कंडीशन में। लेकिन आप लोग ये मत सोच लेना फोन का कैमरा खराब है, इसका फोन भी बहुत इस फोन का भी कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन IQ से थोड़ा सा पीछे रह ही जाता है। मैंने खुद ट्राई किया, अगर आपको लगता है IQ का ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो कुछ पैसा नहीं मिलता, मैं खुद जो यूज़ कर रहा उसके बाद ही मैं आप लोग बता दूँ। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप लोग भरोसा अगर नहीं होता तो आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हो। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नॉर्मल TDM के अंदर काफ़ी अच्छा, यहाँ पर जो FPS है मेंटेन कर लिया, यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो 60 FPS अभी भी फोन के अंदर मेंटेन कर रहा है, काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फोन का जायरोस्कोप टच सैम्पलिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, दूसरे फोन से अगर बोलूँ मैं IQ Neo 6 से तो काफ़ी गुना फास्ट है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम टच सैम्पलिंग रेट में नहीं आएगा, लेकिन IQ 9AC में जो स्मूथ टच हम लोग को देखने को मिलता है IQ 9AC में वैसा ही गाइस फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो टच में गाइस बहुत ही अच्छा है, क्लोज रेंज फाइट लॉन्ग रेंज फाइट बहुत अच्छे से आप लोग हैंडल कर पाओगे, स्प्रे भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन घुमा फिरा कर वही बात गई जो मैंने पहले ही बोला था कि फोन के अंदर अगर बात करें क्लासिक मैच के उसके अंदर नॉर्मल में तो गेम प्ले सही निकल के देगा, लेकिन अगर आप लोग करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ और अगर लॉन्ग टाइम नॉर्मल में भी गेमिंग करते हो उसके अंदर हीटिंग इशू और लैग इशू देखने को मिलेगा, टेम्परेचर हाई है। अगर नहीं है तो काफ़ी अच्छा आपको AC वगैरह में बैठ के खेलते हो उसके अंदर परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके घर में AC वगैरह नहीं है, गर्मी के मौसम में आप लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो तो कैसे आपको दिक्कत आ सकता है, उसके लिए मैं दूसरा फोन को मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे भाई, तो उसके बारे में बात करने वाले। लेकिन ये फोन को कैमरा के लिए गेमिंग के लिए नॉर्मल यूजेस के लिए आप लोग परचेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग के लिए ये इतना ज़्यादा पावरफुल फोन होने के बाद भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन गाइस डे टू लाइफ एक अगर आप लोग एक्टिविटी करना चाहते हो, डे टू लाइफ नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो या फिर नॉर्मल हेवी यूज़ करना चाहते हो तो भी गाइस आप लोग इस फोन को परचेस कर सकते हो। फोन का बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, चार्जिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग नॉर्मल BGMI खेलते हो उसके अंदर भी आप लोग को 4-4.5 घंटे से ज़्यादा आप लोग को बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो अगर न्यू फोन परचेस किया तो अगर सेकेंड हैंड लिया तो 4 घंटे से ऊपर आपको बैकअप देखने को मिल जाएगा, फिर 4 घंटा लगभग आप लोग को बैकअप देखने को मिल जाएगा फुल ऑन बैटरी पर। सो यहाँ पर गाइस काफ़ी अच्छा है, सही है, लेकिन नॉर्मल के लिए है अगर बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हो ही बताया मैंने। तो चलो यार दूसरे फोन कौन से इसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। अगर आप लोग इस प्राइस के अंदर और कोई फोन को परचेस करना चाहते हो, IQ Neo 7 को परचेस कर सकते हो, जो कि गाइस लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छे FPS निकाल के दे देता है और गेमिंग भी काफी अच्छा करा देता है MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर के साथ। और अगर बात करें Realme GT Neo 3 का, सो Realme GT Neo 3 23000 का आप लोग को या भी 24000 पर मिल रहा है या फिर 23000 अगर मिले तो आप लोग इस फोन को भी परचेस कर सकते हो। Dimensity 8100 के साथ काफी अच्छे परफॉर्मेंस निकाल के देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम यूजेस में भी अभी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्नैपड्रैगन के ऊपर भरोसा ज्यादा है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए नॉर्मल डे टू लाइफ या फिर नॉर्मल गेमिंग के लिए फोन परचेस करना चाहते हो तो Realme GT 2 Pro एक फ्लैगशिप फोन है, तो इसके ऊपर भी आप लोग इस फोन को भी परचेस कर सकते हो। तो चलो यार अगर आपको Realme GT Neo 3 का फुल गेमिंग टेस्ट वीडियो देखना है लेफ्ट वाला वीडियो को क्लिक करो, और अगर IQ Neo 7 का देखना है तो राइट वाला वीडियो को क्लिक करो। लव यू ऑल गाइस, बाय।